हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बैटरी चार्जर के बारे में। ये एक बैटरी चार्जर एक साथ में आपको 12 वाट का बैटरी, आपको 6-7 बैटरी चार्ज कर सकते हैं इससे। इसका जो फंक्शन है उसके बारे में बात करेंगे आज हम लोग। इधर 3 बैटरी लगा कर रखा है बड़ा गाड़ी का, 1, 2, 3 बैटरी एक साथ में चार्ज में लगाया है। तो अभी इसको देखिए कितना एम्पियर में है AC to DC। ये लगभग 8 के आसपास है। तो इसको सेट कैसे करें? ये मशीन को सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले नेगेटिव टर्मिनल, उसके बाद पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी पे सही तरीके से लगाना है। अगर बैटरी 3 एक साथ जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो हम बताएंगे बाद में। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल। ये जो दिख रहे हैं ये 4 पे है, मतलब 4 बैटरी लगाने के लिए आपको 4 पर देना पड़ेगा। अगर इसको 3 पे देते हैं तो हम लोगों का बैटरी डाउन हो जाता है इसका, क्योंकि हम लोगों के इधर वोल्टेज कारण का वोल्टेज थोड़ा कम है, इसलिए 4 पे देने से हो जाता है। अभी ये क्या है, 3 बैटरी लगाए हैं हम लोगों ने, इसलिए 3 नंबर पर है। ए RPM है, एस एम्पियर के लिए ए है और ए बैटरी के लिए है। इसको कितना बैटरी आप चार्ज कर सकते हैं, देखिए 6 बैटरी, 72 वोल्टेज का है चार्जर। और इसका जो स्विच, मेन स्विच है, और ये है बैटरी स्विच। इसको ऑफ करने से आपको बैटरी चार्ज नहीं होगा, इसको ऑफ करने से आपका कारण नहीं आएगा मशीन में। और ये है ओपन स्विच, ये वाला, इसको ऑफ करने से लाइट चला जाएगा। अब जब भी आपका बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा तब ऑटोमेटिक मशीन ऑफ हो जाएगा। ये थोड़ा ऑटोमेटिक टाइगर कंपनी ने बनाया है, तो बहुत ही अच्छा है। अगर बैटरी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये जो पॉजिटिव है आपको दिखा रहा हूँ कि इधर देखिए पॉजिटिव वाला है ये पॉजिटिव, और नेगेटिव वाला किसी दूसरा बैटरी में देना पड़ेगा। इधर वाला में नेगेटिव लगाया, इधर वाला में पॉजिटिव लगाया, उसके बाद ए वाला है हम लोगों का पॉजिटिव और ए वाला है नेगेटिव, उसके बाद ए वाला है पॉजिटिव और ए वाला है नेगेटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव करके आपको जोड़ना पड़ेगा। तो यही है आज का वीडियो, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कॉमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे वीडियो के कमेंट पे बताना, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू, जय हिंद।